अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टी इंडस में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने इस स्वेटर की वीडियो आपके साथ शेयर की थी, और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस ट्राउज़र का पैटर्न जो मैंने इस स्वेटर के साथ बनाया है। तो मैंने इसमें स्ट्राइप्स बनाई हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पर स्लीव में स्ट्राइप्स बनाई थी। तो बिल्कुल ये इसके साथ इसका मैचिंग है, और देखिए कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो सबसे पहले इसकी मेजरमेंट को देख लेते हैं। तो इसकी जो टोटल मेजरमेंट है वो है 34 सेंटीमीटर, और अगर हम यहाँ से इसको ऊपर इलास्टिक वाली जगह से लेके नीचे तक नापें तो ये 30 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसकी जो क्रॉच से लेके यहाँ तक की लंबाई है वो है तकरीबन 18-19 सेंटीमीटर, और इसी तरह इसकी जो क्रॉच की लंबाई है वो भी है 18 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो है तकरीबन 26-27 सेंटीमीटर। तो देखिए व्यूअर्स, इस ट्राउज़र की जो मैंने यहाँ पर क्रॉच से लेके ऊपर तक इसकी जो घटाई की है वो बिल्कुल मैंने रेडीमेड स्टाइल में की है, और इसकी जो यहाँ पे क्रॉच के लिए मैंने इंक्रीजिंग की है वो भी इस तरह से की है कि यहाँ से बिल्कुल सीधा सा ना बने बल्कि आर्च शेप में बने। तो रेड कलर की वूल इसमें लगी है तकरीबन 50 ग्राम, और वाइट कलर की वूल लगी है 20 ग्राम। तो टोटल इसमें तकरीबन 80 ग्राम वूल यूज़ हुई है। अच्छा, इसके साइज़ की डिटेल भी मैं साथ साथ ही बताती गई हूँ कि आपने इसको अगर छोटे साइज़ में बनाना है तो किस तरह से बनाना है, और बड़े साइज़ में बनाना है तो किस तरह से बनाना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, इस ट्राउज़र पैंट को बनाने के लिए मैंने ली है बेले डबल निट वूल रेड और वाइट कलर में, क्योंकि मेरा स्वेटर भी रेड और वाइट कलर में ही है। और इसके साथ मैंने ली है 4 mm निटिंग नीडल, और उसके अलावा मैंने एक नीडल ली है 3.5 mm, इससे मैं बॉर्डर बनाऊंगी। तो सबसे पहले रेड कलर की वूल से हम फंदे डाल लेते हैं। तो मैं 38 स्टिचेस कास्ट ऑन करूंगी। अभी मैं 4 mm की नीडल को साइड पर रख देती हूँ और 3.5 mm नीडल पर मैं फंदे कास्ट ऑन करूंगी। मैं ये ट्राउज़र बना रही हूँ 3 to 6 month बेबी के लिए, तो मैं फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ 38। अगर आपने इससे छोटे साइज़ में बनाना है तो आपने 34 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं, और अगर आपने बड़े साइज़ में बनाना है तो आपने तकरीबन 48 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेने हैं। और अगर इससे भी बड़े साइज़ में बनाना है, जैसे 2-3 साल के बच्चे के लिए, तो फिर आपने 58 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। तो मैं फंदे कास्ट ऑन करती हूँ, मैं 38 स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 38 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं रेड कलर की वूल से, और अब एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए मैं 13 रोज़ बनाऊँगी। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, वन बाय वन रिबिंग करते हुए मैं 13 रोज़ बनाऊँगी, 13 सिलाइयाँ बुनूँगी।
तो देखिए व्यूअर्स, मैंने एक रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब मैं 12 रोज़ और बनाऊंगी। एक रो बन गई है, 12 और बनाऊंगी। टोटल हमें 13 रोज़ चाहिए बॉर्डर के लिए। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 12 रोज़ और बना ली हैं, यानी 13 रोज़ बॉर्डर की बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पर मुझे नीडल साइज़ भी चेंज करना है और साथ ही साथ यहाँ पर वाइट कलर की वूल भी अटैच करनी है, यानी अब धारियाँ डालना भी शुरू करनी है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर 4 फंदे इक्वली इंक्रीज़ भी करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, वाइट थ्रेड से, वाइट कलर की वूल से इस तरह से स्लिप नॉट बना के और 4 mm नीडल लेके तो यहाँ पे 7 फंदे बुन लूँगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और 7। 7 फंदे बुन लिए। अब इस फंदे को 2 बार बुनेंगे, यानी फ्रंट लूप में से भी और बैक लूप में से भी। तो यहाँ पर एक हमारा फंदा इंक्रीज हो गया। फिर से 7 फंदे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7। और इस फंदे को हम फ्रंट लूप में से भी बुनेंगे, आगे से भी बुनेंगे और इस तरह से बैक लूप में से पीछे से भी बुनेंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा फंदा इंक्रीज हो गया। फिर से 7 फंदे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7। इस फंदे को फ्रंट से भी बुनेंगे और बैक लूप में से भी बुनेंगे। तो ये हमारा तीसरा फंदा इंक्रीज हो गया। 7 फंदे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7। और यहाँ पर इस फंदे को फ्रंट और बैक दोनों लूप में से बुनते हुए एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। 4 फंदे हमारे यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए हैं। अब बाकी के जो फंदे रह गए हैं इनको सीधा बुन देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और 6 फंदे हमारे रह गए थे, इनको हम सीधा बुन देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, 38 स्टिचेस हमने कास्ट ऑन किए थे और 4 फंदे एक ही रॉ में इंक्रीज़ करने के बाद अब हमारे पास 42 स्टिचेस हो गए हैं नीडल पर, यानी 42 फंदे। रॉन्ग साइड की रॉ है, इसको उल्टा बुन लेंगे। मैं इस पूरी रो को उल्टा बुन लेती हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी बुन ली है। अब वाइट कलर की ही वूल से मैं 2 रोज़ और बनाऊंगी, एक राइट साइड से सीधी और रॉन्ग साइड से उल्टी, यानी राइट साइड से इसको निट करेंगे और रॉन्ग साइड से पर्ल करेंगे। और एक काम हमने और करना है कि इसको हमने वाइट कलर, ये जो रेड कलर की वूल है, इसको साथ ही टक भी करना है। तो ये देखें, इस तरह करने से ये टक हो गई है। तो इस पूरी रो को मैं राइट साइड से सीधा बुन दूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, राइट साइड से एक रो सीधी बुन ली है। अब रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी बनाएंगे, यानी 4 रोज़ बनाएंगे हम वाइट कलर की वूल से, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने स्वेटर की स्लीव में बनाई थी। 4 रोज़ वाइट कलर से और 4 रोज़ जो हैं वो रेड कलर की वूल से। तो ये हमारी 4th रो है। तो मैं इसको उल्टा बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर 4 रोज़ वाइट कलर से बन गई हैं, 4 रोज़ वाइट कलर से बन गई हैं और अब मैं 4 रोज़ बनाऊंगी रेड कलर की वूल के साथ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 रोज़ और रेड कलर से बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने थ्रेड भी चेंज करना है और यहाँ पर दोनों साइड पे एक एक फंदा इंक्रीज करना है। तो देखिए, मैं क्या करूँगी, पहला फंदा ऐसे सीधा बुन लूँगी इस तरह से और उसके बाद उंगली पे इस तरह से लपेट के एक फंदा ऐसे इंक्रीज कर दूँगी,
यहाँ पे एक साइड पे हमारा एक फंदा इंक्रीज़ हो गया। साथ ही हमने वाइट कलर का थ्रेड यहाँ पे वाइट धारी डालनी थी, वाइट स्ट्राइप बनानी थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे वाइट थ्रेड यूज़ किया है। पूरी रो को सीधा बुन लूँगी लास्ट स्टिच तक, आखिरी स्टिच तक, एक आखिरी एक स्टिच तक मैं पूरी रो को सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, लास्ट हमारा स्टिच रह गया है और यहाँ पर भी मैं एक फंदा ऐसे इंक्रीज़ कर लूँगी और इस लास्ट स्टिच को भी वाइट कलर के थ्रेड से सीधा बुन लूँगी। अब मैं 5 सिलाइयाँ बनाऊँगी और छठी सिलाई में दोनों साइड पे एक एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी। फिर 5 सिलाइयाँ बनाऊंगी, फिर छठी सिलाई में दोनों साइड पे एक एक फंदा इंक्रीज करूंगी और इस तरह से मैं 3 बार और करूंगी दोनों साइड पे एक एक फंदा इंक्रीज। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने हर 6 रो में हर छठी सिलाई में फंदा इंक्रीज किया, एक बार आपके सामने और 3 बार ऑफ कैमरा, और दोनों साइड पे चार चार फंदे इंक्रीज़ होने के बाद अब हमारे पास टोटल 50 स्टिचेस हैं। 42 पहले थे, उसके बाद अब 8 फंदे इंक्रीज़ होने के बाद दोनों साइड पे अब हमारे पास 50 स्टिचेस हैं नीडल पर। और अगर हम इसको सेंटीमीटर में देखें तो देखिए तकरीबन 12 सेंटीमीटर हमारी बॉर्डर से लेके क्रॉच तक की लंबाई बनकर तैयार हो गई है। अब हमने क्रॉच के लिए दोनों साइड पे 5 5 फंदे इंक्रीज़ करने हैं, लेकिन मैं एक साथ इंक्रीज़ नहीं करूँगी बल्कि पहले 3 फंदे इंक्रीज़ करूँगी दोनों साइड पे और फिर उसके बाद 2 फंदे इंक्रीज़ करूँगी। तो देखिए किस तरह से करना है। यहाँ पर हमारा वाइट वूल का काम ख़त्म हो गया है तो मैंने इसको यहाँ पर जो है कट कर दिया है और अब यहाँ पर हम रेड वूल से ही काम करेंगे। और चूँकि मैं सिर्फ लेग पे स्ट्राइप बना रही हूँ, ऊपर मैं सिर्फ रेड कलर की वूल से काम करूँगी, तो जो है अब मैंने यहाँ पर इस वाइट थ्रेड को डिसकनेक्ट कर दिया है, यानी काट दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने रेड वूल भी साथ साथ चेंज कर तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमने वूल भी चेंज करनी है और साथ ही साथ हमने क्रॉच के लिए 3 फंदे इंक्रीज़ करने हैं। 3 फंदे अभी इंक्रीज़ करूँगी और 2 फंदे बाद में, यानी टोटल 5 स्टिचेस इंक्रीज़ होंगे। तो इस तरह से एक फंदा बुन के नॉर्मल जैसे बनाते हैं इसको हम नीडल पर डाल लेंगे। केबल कास्ट और मेथड इसको कहते हैं, मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप देख भी सकते हैं। 3 फंदे यहाँ पर इंक्रीज़ होने के बाद पूरी रो को सीधा बुन लेंगे, तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदों को सीधा बना लिया है। अब हमने इस साइड पर भी 3 फंदे इंक्रीज करने हैं, लेकिन वो हम रॉन्ग साइड से करेंगे। देखिए चूंकि ये हमारी उल्टी रॉ है तो उल्टा बुनते हुए हम फंदों को इंक्रीज करेंगे। तो देखिए एक
दो और तीन। अब पूरे रो को हम उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, तमाम फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो मैं इस पूरी रो को उल्टा बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को उल्टा बना लिया है। अब हमारी राइट साइड की रो है और यहाँ पर अब हमने दो फंदे इंक्रीज़ करने हैं। तीन मैंने पहले इंक्रीज़ किए थे, दो अब इंक्रीज़ करूँगी। तो इस तरह से करने से क्रॉच जो है वो बिल्कुल सीधी सी नहीं बनती, बल्कि आर्च की शेप में बनती है यूँ। तो दो फंदे फिर से हम इंक्रीज़ कर लेंगे, एक और दो। तो टोटल इस साइड पर पाँच फंदे इंक्रीज़ हो गए। पूरी रो को सीधा बना लेंगे, तमाम फंदे सीधे बनाकर इस पूरी रो को मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को सीधा बना लिया है। अब रॉन्ग साइड की रो है और इस साइड पे भी हम दो फंदे इंक्रीज करेंगे, ताकि इस तरफ भी हम पांच फंदे इंक्रीज कर लें। तो एक और दो। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस साइड पे भी हमारे पांच फंदे इंक्रीज़ हो गए हैं और इस साइड पे भी हमारे पांच फंदे इंक्रीज़ हो गए हैं। और अब मैं पांच सिलाइयाँ बुनूंगी रेड कलर की वूल से ही, क्योंकि अब यहाँ पर हमने स्ट्राइप्स जो हैं वो सिर्फ लेग में बनानी थी, तो मैंने लेग में बना ली है। अब मैं सिर्फ रेड वूल से ही जो है वो बनाऊँगी। तो पांच सिलाइयाँ बुनूंगी, एक सिलाई उल्टी, दूसरी सीधी, तीसरी उल्टी, चौथी सीधी, पांचवी उल्टी। पांच सिलाइयाँ बुनने के बाद छठी सिलाई में, सिक्स्थ रो में, मैं क्रॉच को शेप देने के लिए, ट्राउज़र को शेप देने के लिए मैं एक एक फंदा डिक्रीज़ करूँगी। तो मैं इस पूरी रो को उल्टा बना के कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, दोनों साइड पे पांच पांच फंदे इंक्रीज़ हुए हैं। अब यहीं से आपको मैं साइज़ का भी बता देती हूँ। अगर आपने छोटे साइज़ में बनाना है तो आपने एक फंदा यहाँ पर कम इंक्रीज़ करना है, और उसके बाद जो यहाँ पे इंक्रीज़ हैं, जैसे आपने 0 to 3 month के लिए बनाना है तो आपने यहाँ पर दो और दो, चार फंदे इंक्रीज़ करने हैं दोनों साइड पे। लेकिन अगर आपने इसको बड़े साइज़ में बनाना है तो फिर आपने चार और तीन, सात फंदे इंक्रीज़ करने हैं दोनों साइड पे क्रॉच के लिए। और यहाँ पर भी चार की बजाय पांच बार इंक्रीज़ करना है अगर आपने एक साल या दो साल के बच्चे के लिए बनाना है। तो अब मैं चार सिलाइयाँ और बनाऊँगी, यानी टोटल यहाँ पर पाँच सिलाइयाँ बन जाएंगी। एक मैंने उल्टी बना ली है, चार और बनाऊँगी सीधा उल्टा बुनते हुए, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने किस तरह से इसको क्रॉच को शेप देनी है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने फंदे इंक्रीज़ करने के बाद पांच सिलाइयाँ बना ली हैं, एक उल्टी सिलाई आपके साथ बनाई थी, चार सिलाइयाँ मैंने ऑफ कैमरा बनाई हैं। अब हमने क्रॉच को शेप देने के लिए दोनों साइड पे एक एक फंदा डिक्रीज़ करना है, ताकि क्रॉच की बहुत अच्छी सी शेप आए। तो देखिए किस तरह से हम डिक्रीज़ करेंगे। पहला फंदा ऐसे बुन लेंगे। अब हमने दो फंदों का एक बनाना है, और क्या करेंगे कि इस फंदे को भी स्लिप करेंगे और इस फंदे को भी स्लिप करेंगे, वापस उसी निडल पे ले जाएंगे और दो फंदों का एक बनाते हुए एक फंदे को डिक्रीज़ कर देंगे। ये देखिए, हमें इस तरफ लीन करते हुए डिक्रीज़ करना है, तो उसके लिए हमने इससे स्लिप स्लिप नेट किया है। और पूरी रो को सीधा बुन देंगे लास्ट थ्री स्टिचेस तक। दूसरी साइड पर भी फिर हम इसी तरह से डिक्रीज़ करेंगे। तो मैं इस पूरी रो को सीधा बनाती हूँ लास्ट थ्री स्टिचेस तक। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने लास्ट थ्री स्टिचेस तक तमाम फंदों को सीधा बना लिया है। अब हमने इस साइड पे भी दो फंदों का एक बनाना है एक फंदा डिक्रीज़ करने के लिए। तो इसको इस साइड पे जब हम इसको डिक्रीज़ करेंगे तो हम इसको सीधा जैसे हम नॉर्मल बुनते हैं उस तरह से बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। तो इस तरह से जब हम दो का एक बनाएंगे तो ये फंदे इस तरफ को लीन करते हुए डिक्रीज़ होंगे। लास्ट वाला स्टिच है,
इसको सीधा बुन देंगे। अब मैं 5 रोज़ और बनाऊंगी और उसके बाद फिर से एक एक फंदा दोनों साइड पे डिक्रीज़ करूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दोनों साइड पे एक एक फंदा डिक्रीज़ करने के बाद 5 सिलाइयाँ और बनाई और अब फिर से हम एक बार डिक्रीज़ करेंगे दोनों साइड पे एक एक फंदा। तो देखिए पहला फंदा सीधा बुन लेंगे। अब दो फंदों का एक बनाना है लेफ़्ट साइड पे लीन करते हुए, तो इन दो फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, वापस उसी नीडल पे लेके दो फंदों का एक बना देंगे। तो ये देखिए एक फंदा हमारा यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ था और एक हमारा फंदा यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। पूरी रो को सीधा बुन देंगे लास्ट 3 स्टिचेस तक। तो देखिए व्यूअर्स, लास्ट 3 स्टिचेस तक मैंने पूरी रो को सीधा बना लिया है। अब यहाँ पर भी हमने एक फंदा डिक्रीज़ कर देना है इस तरह से सीधा बुनते हुए, जैसे हम सीधे फंदे बनाते हैं। दो फंदों का एक बनाएंगे और इसको राइट साइड पे लीन करते हुए हमने दो फंदों का एक बनाया है। अब लास्ट वाला स्टिच है, इसको सीधा बुन देंगे। अब फिर से मैं 5 सिलाइयाँ बनाऊँगी, 5 रोज बनाऊँगी और उसके बाद दोनों साइड पर एक एक फंदा डिक्रीज़ करूँगी 6ठी सिलाई में, 6th रो में। और उसके बाद जो है मैं 3 बार और करूँगी डिक्रीज़। 2 बार मैंने कर लिया है, 3 बार और करूँगी, यानी टोटल 5 बार मैंने क्रॉच के लिए फंदे दोनों साइड पे डिक्रीज़ करने हैं। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दोनों साइड से 3-3 बार और डिक्रीज़ कर लिया है। 2 बार आपके साथ किया था, 3 बार मैंने ऑफ़ कैमरा किया है, टोटल 5 बार डिक्रीज़ किया है, यानी 5 फंदे इस तरफ डिक्रीज़ हुए हैं, 5 फंदे इस तरफ डिक्रीज़ हुए हैं। 10 स्टिचेस डिक्रीज़ होने के बाद हमारे पास यहाँ नीडल पर इस वक्त 50 स्टिचेस हैं। अब देखिए मुझे यहाँ क्रॉच की जो लंबाई है वो यहाँ से ले के ऊपर तक 18 सेंटीमीटर बनानी है, तो मैं सीधा उल्टा बुनते हुए 18 सेंटीमीटर बनाऊँगी। तो लास्ट डिक्रीजिंग के बाद मैंने एक रो उल्टी बना ली थी और अब मैं 18 सेंटीमीटर बनने तक इसको सीधा उल्टा बुनूँगी, यानी राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा। राइट साइड से एक रो मैंने सीधी बना लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने राइट साइड से एक रो सीधी बना ली है, अब रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी बनाऊँगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से भी एक रो उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब इन्हीं 2 रोज़ को मैं 10 बार और रिपीट करूँगी, यानी 20 सिलाइयाँ सीधा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 18 रोज़ और बनाई और क्रॉच की लंबाई मैंने यहाँ से लेके ऊपर तक 18 सेंटीमीटर बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक उल्टी रो बनानी है, वो इसलिए कि जब हम इसको इलास्टिक के लिए मोड़ेंगे, इलास्टिक डालने के लिए मोड़ेंगे, तो यहाँ पर एक एज सा बनेगा जो बहुत ही दिखने में अच्छा लगेगा। तो हम राइट साइड से एक रो उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने राइट साइड से एक रो उल्टी बना ली है, अब रॉन्ग साइड से भी हम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हम इसको उल्टा बनाते चले आए थे। तो रॉन्ग साइड से भी एक रो उल्टी बना लूँगी।
तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से भी एक रो उल्टी बना ली है, और ये देखिए ये हमारी यहाँ पर एक उल्टी सी लाइन आई है। जब हम इसको इससे टर्न करेंगे इलास्टिक डालने के लिए, तो ये एक बड़ा ही प्यारा सा एज यहाँ पे बनेगा। अब मैं चार सिलाइयाँ सीधा उल्टा बनाते हुए और बनाऊँगी, फोर रोज़ बनाऊँगी निट पर्ल करते हुए। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने सीधा उल्टा बुनते हुए चार सिलाइयाँ और बना ली हैं, फोर रोज़ और बना ली हैं, और अब हम फंदों को यहाँ पर बाइंड ऑफ कर देंगे। हमारा ट्राउज़र यहाँ बनकर कंप्लीट हो गया है। तो सिंपल दो फंदे सीधे बुनेंगे इस तरह से, और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास करते हुए नीडल के नीचे ड्रॉप कर देंगे। एक फंदा हमारा बाइंड ऑफ हो गया। तो सिंपल इसी तरह से हम तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपने ये ख्याल रखना है कि इनको थोड़ा लूज़ बाइंड ऑफ करना है। तो मैं इन तमाम फंदों को इसी तरह से बाइंड ऑफ करती हूँ। तो ये लास्ट स्टिच है हमारा, और अब मैं थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ के इसको सिक्योर कर लूँगी। मैंने इसलिए थोड़ा लंबा छोड़ा है कि फिर हमने क्रॉच को इसी धागे से ऐसे सिलाई करनी है यहाँ पर। तो जिस तरह से मैंने ये एक लेग का बनाया है, इसी तरह से मैं दूसरी लेग का भी बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर उसको हम स्टिच करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसी तरह से दूसरी लेग को भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है, और अब इसकी राइट साइड को इस तरह से मैच करते हुए हम इस तरह रखेंगे ऐसे। इस तरह से, और इसकी आसन को, इसकी क्रॉच को यहाँ से दोनों साइड से सिलाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ से भी इसको सिलाई करूँगी और यहाँ से भी इसको सिलाई करूँगी। तो देखिए ये जो हमने लंबा टेल छोड़ा था, इसको इस तरह से नीडल में डाल के अब हम इसको इस तरह से लेते हुए स्टिच कर लेंगे। आपने बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो उल्टी सी लाइन है, ये यहाँ पर एक दूसरे के साथ मैच होनी चाहिए। मैं इस तरह से होल्ड करती हूँ ताकि आपको सही तरह से दिखाई दे। और एक एक लूप हम उधर से दोनों साइड से उठाते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे। अब ये देखिए, ये हमारी दोनों लूप्स हैं, जो हमारी उल्टी लाइन थी राइट साइड से, इसको हम ऐसे इकट्ठा मैच करते हुए स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारी यहाँ पर आमने सामने होनी चाहिए। और जब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे लास्टिक डालने के लिए, तो ये देखिए ये एक एज सा आएगा, जो दिखने में किनारा सा बड़ा प्यारा लगेगा। तो मैं इसकी दोनों साइड की आसन को सिलाई करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दोनों साइड की ये आसन या क्रॉच जो है वो सिलाई कर ली है, और देखिए हमारा ट्राउज़र कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से पकड़ के दोनों क्रॉच की सीम को मिलाते हुए इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और अब इसको यहाँ से भी इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो मैं ये सिलाई करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इस तरह से ये जो यहाँ पे टेल छोड़ा हुआ था, उसको ऐसे नीडल में डाल लिया है, और अब हम इसको ऐसे स्टिच करेंगे
दोनों साइड से एक एक लूप उठाते हुए हम स्टिच करते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये ट्राउज़र को बनाने का, वरना अगर आप इसको राउंड में बनाएं तो काफ़ी मुश्किल होता है इसको बनाना। या तो आपको चार डबल पॉइंटेड नीडल लेनी पड़ती हैं या फिर राउंड नीडल लेनी पड़ती है। अच्छा, अब देखें, इसको सिलाई करते हुए हमने बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है कि वाइट और रेड धारियाँ जो हमने डाली हैं, जो स्ट्राइप्स डाली हैं इस पे, इनको इस तरह से मैच करते हुए हमने सिलाई करना है। कहीं पे भी ये ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। यानी आपकी ये दोनों सिलाइयाँ जो हैं मैच हो रही होनी चाहिए दोनों तरफ से। इनको इस तरह से आप ऊपर नीचे रखते हुए मैच कर लीजिए और उसके बाद सिलाई कीजिए। मैं इसको सिलाई करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके पैंचों को भी, इसकी जो दोनों लेग्स हैं इसको भी सिलाई कर लिया है। और देखिए कितनी अच्छी ये आर्च शेप में आया है, जो हमने फंदे इंक्रीज़ करने की टेक्निक जो इस्तेमाल की है उसकी वजह से। अब इलास्टिक डालने के लिए मैं यहाँ से ये जो उल्टी रॉ बनी हुई है, यहाँ से इसको ऐसे टर्न करूँगी और उल्टी साइड से नीडल में इस तरह से मैं थ्रेड डाल लूँगी। और तो इसके नीचे वाले लूप में नहीं हमने लेना, ऊपर वाले लूप में लेते हुए इसको इस तरह से थ्रेड डालेंगे। नीचे वाला लूप नहीं बल्कि ऊपर वाले लूप में ऐसे डालेंगे और साथ ही उससे उसके बिल्कुल सामने वाली चेन में डाल लेंगे इस तरह से। अब फिर से देखिए, नीचे वाला लूप और ये अगली चेन में इस तरह से डालेंगे और इसको ऐसे सिल देंगे। फिर से देखिए, ये नीचे वाले लूप में नहीं ऊपर वाले लूप में इस तरह से नीडल डालेंगे और इसको इस तरह से सिलाई करते जाएंगे। तो मैं इस पूरे को इसी तरह से सिलाई करूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको पूरे को सिलाई कर लिया और यहाँ से मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है जिसमें मैं इलास्टिक जो है इंसर्ट करूँगी। तो इस तरह से सेफ्टी पिन में डालते हुए इलास्टिक यहाँ से इस तरह से मैं डालूँगी। और अब इसको इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए एक दूसरी सुई में धागा डाल के इसको इस तरह से यहाँ से सिल दूँगी। मैं यहाँ से इसको सिलाई कर रही हूँ। यहाँ अगर गिरा लगाएंगे तो वो बच्चे को चुभेगी, जब उसको लटाएंगे तो उसको चुभेगी। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे सिलाई कर लूँगी। और अब ये जो जगह हमने छोड़ी थी इसको भी हम इसी तरह से सिलाई कर देंगे।
और इस धागे को यहाँ पर टक इन कर देंगे। और ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये ट्राउज़र बनकर तैयार हो गया है। और देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना और कितना परफेक्ट बनाया है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। तो यकीनन आपको आज का ये ट्राउज़र का पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।